Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. इतवार को पार्क में आराम से बैठा किताब पढ़ने में मशगूल था। मेरे बराबर में जगह खाली थी, इसलिए मैंने जूस की बोतल और चिप्स का पैकेट खोलकर वहां रख दिए थे। अचानक वो खामोशी से किसी तितली की तरह मेरे करीब आकर बेंच पर बैठ गई। मुझे ये बात बहुत नागवार लगी, क्योंकि कोई ऐसे किसी अजनबी के पास आकर नहीं बैठ जाता। पार्क में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन जिस बेतकल्लुफी से वो मेरे साथ बैठी थी, देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि वो मेरे साथ ही है। जब मैंने उसके हुलिये का सरसरी सा जायजा लिया, तो वो मुझे कोई मिस्कीन या मांगने वाली लगी। मगर उसकी दिलचस्प हरकतों ने मेरा ध्यान उसकी तरफ मबजूल कर दिया। मैंने किताब छोड़कर उसके चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी गजाली आंखों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो जैसे किसी जमाने में उनकी काजल से गहरी दोस्ती हुआ करती होगी, जिसके बिना आज वो कुछ रूठी सी थी। उसके रुखसार पीले से थे, मानो जैसे वक्त ने उन पर उदासी की हल्दी मजबूरन मल दी हो। उसके होंठों पर ना लाली थी ना मुस्कुराहट, अपनी घनी जुल्फों को भी वो शायद संवारना भूल गई थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल थी। कपड़े मैले कुचैले से थे, उसकी मुट्ठी में एक रुमाल था और पैरों में एक पुरानी सी चप्पल थी। वो दुनिया से बेखबर मेरे चिप्स और जूस इस तरह खा और पी रही थी मानो जैसे वो उन्हें अपने साथ ही लाई हो। उसकी ये बेतकल्लुफी थी तो बहुत अजीब, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं और गहरे तवक्कुफ से उसे तकता रहा। कुछ देर बाद मेरा जब्त जवाब दे गया। उससे मुखातिब होकर मैंने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने अपना लहजा बहुत नर्म और शाइस्ता रखा था, क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों, मेरा दिल कह रहा था कि ये कोई मांगने वाली नहीं थी, बल्कि शायद तकदीर की मारी थी। इंतज़ार, उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया। किसका इंतज़ार? उसने ज़रा ठहर कर कहा, जिंदगी का। और साथ ही उसकी आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता था कि वो किस आजमाइश से गुजरी है, लेकिन उसके आंसू देखकर मेरे दिल ने भी चोट खाई। पर तुम तो जिंदा हो, फिर जिंदगी का इंतजार क्यों? मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तो वो बोली, खत्म हो गए? क्या मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये चिप्स, और खाली पैकेट को अपने दोनों हाथों से थपथपाने लगी। मुझे उसकी इस मासूमियत पर बहुत प्यार आया। मैंने पास वाले ठेले से छोटू को बुलाया और उसके हाथ चिप्स के 2 पैकेट और जूस की बोतल मंगवाई, जिन्हें मेरे हाथ से बच्चों की तरह छीनकर वो मजे से खाने लगी। इतने में पार्क के बाहर एक एम्बुलेंस रुकने की आवाज़ आई। उसमें से अस्पताल के 2 नुमाइंदे उतरे और पार्क में दाखिल हुए। एक मर्द और औरत भी उनके हमराह थे। उनकी नज़रें मुतलाशी थीं। अचानक उनमें से एक की नज़र हमारे बेंच पर पड़ी और वो सब हमारी जानिब चले आए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन लोगों ने उस लड़की को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती उठा लिया। वो उसे साथ ले जाने के लिए जिद करने लगे। उसके हाथ से चिप्स गिरकर बिखर गईं। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने फौरन उठकर वार्ड बॉय को धक्का दिया और उनकी गिरफ्त से उसे आज़ाद किया। हाथ छुड़ाते ही वो सहम कर मेरे पीछे जाकर छुप गई। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।